सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इट्स का प्रोडक्शन। एंड आज के इस वीडियो पर मैं दिखाने वाला स्क्रीन पे आप ये जो स्काई चेंज वाले वीडियो देख रहे हो, जिसमें कि मीन्स हमारा स्काई तो चेंज हुआ है, साथ ही में उसमें लाइट इफेक्ट भी है, यू बोलो रे इफेक्ट है, इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने वीएन एडिटर में। मीन्स हम वीएन एडिटर में स्काई को चेंज करेंगे, देन उसके बाद इसमें रे इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इसे अप्लाई करने के लिए यार इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, आप हर एक चीज जानने वाले, देन उसके बाद अभी इसे अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो अब इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने वीएन एडिटर को ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नॉर्मल सा जो वीडियो है जस्ट उसे सेलेक्ट करना है, एंड देन उसके बाद ये एरो वाले बटन पे क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो वीडियो वो इंपोर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये नॉर्मल से वीडियो जो कि हमारे यहाँ इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट में आना है, एंड यहाँ पे आपको ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है जस्ट इसे आप यहाँ से डिलीट कर देना। देन उसके बाद आपको सिंपली से क्या करना है, ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद वीडियो एंड फोटोज पे क्लिक करना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक स्काई इफेक्ट ऐड करना होगा, ठीक है। सो ऐड करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट वहाँ से आप इस स्काई इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना, एंड यहाँ पे इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद इसे आपको यहाँ से इंक्रीज करना, मीन्स इसका जो लेंथ या ब्रेथ या जो भी बोलो साइज है ना, उसे आपको इस तरीके से इंक्रीज करना है कि ये जो आपका वीडियो का स्काई है, ठीक है, उतना पूरा कवर कर ले। मीन्स देखो ये जो वीडियो वो इस तरीके से छोटा है, ठीक है, इसे हमें ऐसा इतना इंक्रीज करना है कि हमारा जो वीडियो का है स्काई उसे ये कवर कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नहीं मीन्स लास्ट तक स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पे आपको एक मार्क्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना होगा, लीनियर पर क्लिक करना है, फिर से लीनियर पे क्लिक करना है, ठीक है। डबल जब आप टाइप करोगे उसके बाद यहाँ पे ये इफेक्ट आएगा कि मीन्स नीचे वाले को ये रिमूव करने लगेगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे ये जो सर्कल दिख रहा है ना, जस्ट इस सर्कल को थोड़ा सा आपको अप तक रखना है, एंड ये जो एरो दिख रहा है जस्ट इस एरो को भी आपको थोड़ा सा मीन्स यहाँ से डाउन कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर देने से यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो फेड वाला एनिमेशन है या ये बोलो इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो क्रिएट हो गया, बट हमारे जो मीन्स फेस है वो फेस ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो फेस ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ बॉडी दिख रहा है। सो इसे ठीक करने के लिए क्या करना है, सिंपली से आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना होगा, फिर से पीआईपी वाले पे, देन वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है, एंड अपना नॉर्मल से वीडियो को फिर से यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपने वीडियो को इंपोर्ट कर लेना होगा, एंड देन उसके बाद इसका जो साइज है उसे आप यहाँ से इंक्रीज कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे आपको फिल एंड फिट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद एक क्रोमा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली से इस पर आपको क्लिक करना होगा, एंड उसके बाद सबसे पहले यार स्पिल इसे आपको डिक्रीज कर देना कम्प्लीटली। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो क्रोमा का बटन दिख रहा है जस्ट आप इसे यहाँ से मीन्स स्काई के साइड में मूव करवा देना, जैसे कि ये हमारा स्काई है तो यहाँ पे हम इसे मूव करवा देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, जिससे कि मीन्स स्काई कम्प्लीटली हट जाए, ठीक है। देखो मेरा 41 में हट चुका है कम्प्लीटली, ठीक है, बट हो सकता है आपके वीडियो में मीन्स ज़्यादा इंक्रीज करने पर हटे, या फिर ये भी हो सकता है कि ना हटे, ठीक है। उसमें रीज़न ये होता है कि मीन्स आपने यहाँ से ये ज़मीन में ये वाला साइज आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्काई में करना है ताकि आपका हट जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरा रिमूव हो चुका है। देन उसके बाद सिंपली से क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, एंड इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, जिसमें कि हमारा स्काई चेंज हो चुका है, बट इसमें अभी भी रे इफेक्ट नहीं है। सो उसे ऐड करने के लिए जस्ट आपको प्रीक्वेल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है, एंड अगर आप चाहते हो मीन्स अपने वीडियो में कुछ और एडिटिंग करना जैसे स्लो मोशन ये सब, तो वो भी आप कर सकते हो जब मीन्स ये वीडियो सेव हो जाए, देन उसके बाद ही करना, ठीक है। इतना कर लेने के बाद फिर से अगर आप चाहते हो कि स्लो मोशन एंड उसमें कलर ग्रेडिंग ये सब करूँ, देन आप उसे कर सकते हो। अभी फिलहाल हम उसमें रे इफेक्ट अप्लाई करते हैं। सो रे इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिसका नाम है प्रीक्वेल, ठीक है। इसका भी डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना ना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मेरा पहले से सेट था, मीन्स मैं पहले से एडिट कर रहा था इसलिए इस तरीके से एडिटेड है, तो इसे मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे ओपन करो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, सिंपली से आपको ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करना होगा, देन उसके बाद अपने वीडियो पे क्लिक करना है, एंड इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्टिकल का एक बटन देखने को मिलेगा, जस्ट इस पर आप क्लिक करना, देन उसके बाद इसको भी आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना, एंड यहाँ पे आपको एक मिलेगा अस्टेलर, तो ये वाला इफेक्ट को आपको जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको 5 इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको स्टार्टिंग वाला ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें ही व्हाइट वाला इफेक्ट है, अदरवाइज दूसरे में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो मीन्स अलग अलग टाइप का रे इफेक्ट है,
सो ये इफेक्ट अगर आपको पसंद है देन आप रख सकते हो, कोई बात नहीं है, बट जो ट्रेंडिंग में है वो हमारा वाइट वाला इफेक्ट है, सो इसलिए हम यहाँ पे वाइट वाले इफेक्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन इसमें आप थोड़ा बहुत एडिटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ से इसका इंटेंसिटी को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने के बाद क्या हो रहा है कि बंदे पे भी आ जा रहा है, सो मैं इसे कम कर देता हूँ ताकि हमारा ये सिर्फ स्काई में रहे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको स्केल का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप इस इफेक्ट का स्केल बिन्स इनका साइज बड़ा कर सकते हो, जैसे तो हमारे ये रे इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही बड़े होंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये फिल्टर मिलता है, जिससे कि यहाँ पे आपको ये रे इफेक्ट और हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे और एडिटिंग कर सकते हो, देन आपको डन पे क्लिक करना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा एंड सेव हो जाएगा वीडियो, ठीक है। सो इस तरीके से करके आप इजीली, बहुत ही इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको प्रीव्यू के लिए यहाँ पे जरूर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाए मेरा एक्सपोर्टिंग, देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे वीडियो जो वो कम्प्लीटली क्रिएट हुआ या फिर नहीं हुआ। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली हमारे क्रिएट हो चुका है, बैकग्राउंड में हमारे रिमूव हो चुका है, साथ ही में रे इफेक्ट भी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपली से आपको ये वीडियो क्रिएट हो जाएगा, देन आपको सेव वीडियो पे क्लिक करना है एंड ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे ये एडिटिंग कर सकते हो, अगर आप चाहो इसमें स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन या कलर ग्रेडिंग करना, देन फिर से आप अपने वी एडिटर को ओपन करना, ये एडिटेड वीडियो पे आना एंड यहाँ से मीन्स न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने वीडियो को इम्पोर्ट करना, देन उसके बाद यार देख लो स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, कट कर देते हैं, देन इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग स्लो मोशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वो कर्व वाले से भी आप कर सकते हो, देन अगर कलर ग्रेडिंग करना होता है तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर पे क्लिक करते हैं एंड एक वीवर्ड इफेक्ट होता है, जस्ट उसे हम लोग अप्लाई करते हैं एंड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी अप्लाई करते हैं, हो गया ना। हो इसी तरीके से करके हम लोग यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करते हैं, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप यहाँ से कलर ग्रेडिंग एंड स्लो मोशन करके फिर से आप इसे एक्सपोर्ट करके आप इसे यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।